नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज फिर से एक वही टॉपिक जो मैंने पहले आपको बहुत पहले बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। टॉपिक यह है कि यदि आपको नसों में कमजोरी हो रही है, नसों में दर्द हो रहा है और कमर से वो दर्द आ रहा है, कमर में जकड़न महसूस होती है, कमर में खिंचाव सा महसूस होता है, कमर झुकाते हैं तो पेन होता है, राइट में झुकें तो पेन होता है, लेफ्ट में झुकें पेन हो रहा है, पेन पैरों से की तरफ जा रहा है, कमर से होता हुआ नीचे पैरों की तरफ जा रहा है, दर्द में जलन सी महसूस होती है, कई बार दर्द में पैर सुन्न सा महसूस होने लगता है, दर्द में ऐसा लगता है जैसे एक तरफ आप झुक गए हैं, उठने में तकलीफ हो रही है, जैसे नस पकड़ ली हो, इस तरह के बहुत से लक्षण बहुत आम हैं और जिसके लिए मैंने देखा है कि लोग सालों से दवाइयां खा रहे हैं। आज इन्हीं बातों पर डिस्कस करूंगा और तकलीफ का नाम है सियाटिका। दोस्तों, सियाटिका एक बहुत सामान्य बीमारी है और बीमारी ना बोल के मैं इसे लक्षण बोलूंगा। ये बीमारी नहीं है, ये एक तरह का लक्षण है नसों के दबने का। अब समझते हैं कि आपको ये दर्द होता है, वाकई में सियाटिका है या नहीं है, या हड्डी की कोई और समस्या है, रीढ़ की हड्डी में समस्या है, या रीढ़ की हड्डियों के बीच में कुशन जैसा पैड होता है जिसे हम डिस्क बोलते हैं। एक्चुअली रीढ़ की हड्डियां अलग है, उनके बीच की डिस्क अलग है, तो इनके पीछे से होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड जाता है, रीढ़ की हड्डियों के पीछे से होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड जाता है और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके सामने पे कुशन के पैड होते हैं स्पाइनल कॉर्ड को बचाए रखने के लिए और रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए वो एक कुशन का काम करते हैं। यहां पर एक पिक्चर लगाकर मैं दूंगा और उस पिक्चर के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि किस तरह की तकलीफें, किस तरह की संरचना है, उस संरचना में किस तरह के बदलाव आते हैं, या आपके चलने या आपके पोस्चर से, आपके बैठने के तरीकों से किस तरह का बदलाव आता है आपके स्पाइन में। ये पूरा का पूरा मैं पिक्चर या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे दूंगा, डायग्राम के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से आज की डेट में, आजकल के युग में, इस नवीन जीवन शैली की वजह से, नई जीवन शैली की वजह से जो कि बिल्कुल अप्रत्याशित सी है, हम कभी भी टाइम पे सो रहे हैं, कभी भी जाग रहे हैं, किसी भी समय खा रहे हैं और हमारे बैठने का जो तरीका है वह ऐसा हो गया है, मतलब हम इस सीधे पोस्चर में बिल्कुल बैठ नहीं पा रहे हैं। जब भी हम इस तरह का कुछ करते हैं, यानी हम सीधे पोस्चर में नहीं बैठते, तो जैसे मैं यहां पर बैठा हूं, मैं इस तरह से बैठा हुआ हूं, लेकिन यदि आप इसे इस तरह से करेंगे तो कुल मिलाकर आप अपने पोस्चर को हमेशा बैंड रखते हैं पीछे की तरफ, ये गलत पोस्चर है। दूसरा, हम लोग इस तरह से बैठते हैं, ये एक गलत पोस्चर है। आपको स्ट्रेट स्पाइन को सीधा रखना है, क्योंकि जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना। स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहती है, यदि और इन रीढ़ की हड्डियों में छोटे छोटे सॉकेट्स हैं, उन एक सॉकेट के बीच में दूसरा सॉकेट फंसा हुआ है, फिर एक फंसा है, फिर एक फंसा, एक के ऊपर एक, के ऊपर एक है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर एंड सैक्रल, ये अलग अलग डिवाइडेड हैं। अब इनके डिवीजन जहां होते हैं वहां पे एक सॉफ्ट पैड है जिसे हम बोलते हैं डिस्क, सर्वाइकल डिस्क, थोरेसिक डिस्क, लंबर डिस्क, ऐसी बहुत सारी डिस्क है, दो के हर दो सेगमेंट के बीच में जो ज्वाइंट है वहां पर, उनके पीछे से स्पाइनल कॉर्ड जाता है, मिररज जाता है जो कि मस्तिष्क का तंत्र है, मस्तिष्क से होता हुआ पूरा कंप्लीटली जाता है। अब यदि आपका पोस्चर गड़बड़ हो, यानी आपका बैठने का तरीका लेट रहे हैं, कुछ भी किसी भी तरह आपका कोई भी पोस्चर हो सकता है जो नॉर्मल पोस्चर के से अलग है, तो आपको ये तकलीफ बिल्कुल होना जायज है। अब ये सर्वाइकल भी हो में भी तकलीफ हो सकती है, थोरेसिक भी हो सकता है, पीछे की तरफ रीढ़ की पीठ की तरफ इस पोर्शन में, या फिर रीढ़ की हड्डी में इस पोर्शन में, L1, L2, L3, L4, L5। अब ये बहुत बहुत कॉमन लैंग्वेज में, बहुत सामान्य भाषा में मैं इनको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डायग्राम दूंगा, डायग्राम से समझना पूरी बीमारियां, रीढ़ की हड्डी की एकदम एक बार में पिक्चर क्लियर हो जाएगा।
इन तकलीफों के होने का मुख्य कारण आपका पोस्चर है, यानी आप जिस तरह से बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, लेट रहे हैं, तकिया कैसे लगा रहे हैं, आपका कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की स्क्रीन भी जो है उसका भी लेंथ जो हाइट है वो कैसी है, ये भी आपको ध्यान देना है। ज्यादातर टाइम में मोबाइल पे हम व्यस्त हैं, वो भी सर्वाइकल पेन का कारण बन रहा है। कुल मिलाकर पोस्चर की अनियमितता की वजह से डिस्क दबेगी और डिस्क के दबने की वजह से डिस्क पीछे की तरफ ज्यादातर दबती है और पीछे की तरफ जो साइड में जो नसें निकली होती है उनसे नर्व निकली होती है, उन नर्व को कंप्रेस करती है, दबाती है। अब यदि ये नर्व उन पांच नर्वों में से कोई भी एक हो जो नीचे की तरफ कमर से होते हुए, पैरों से होते हुए, जांघों से होते हुए नीचे की तरफ जाए, ये पूरे नर्व के ग्रुप को बोलते हैं, जो एक साथ मिलती है उनको बोलते हैं सियाटिक नर्व, यानी मतलब चार पांच का ग्रुप मिला और एक जगह जाके बना सियाटिक नर्व। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं, यहाँ कोई भी नर्व किसी भी लेवल पे प्रेस हो, L1, L2, L3, L4, L5 किसी भी जगह पे, तो मैं आपको ग्रॉस मोटा मोटा बता रहा हूँ, एकदम एनाटॉमिकली आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मोटा मोटा आप चीजों को समझ लीजिए, एकदम डायग्राम में आपको पॉइंट लगा लगा के मैं बताऊंगा, आप पॉइंटर से समझ जाना। तो कुल मिलाकर इन नसों के दबने से जो कनेक्टिंग नर्व, जो मेन नर्व है वो सियाटिक नर्व, वो कंप्रेस, उसमें पेन जाता है और ये रिफर्ड पेन पैर में नीचे की तरफ जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं सियाटिका। कंडीशन है मतलब ये कि कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी का लक्षण है और ये किसी और भी बीमारी की वजह से हो सकता है। मतलब डेली आपका खान पान बहुत अनियमित है, आप नशे वगैरह के आदि हैं तो आपको, या दूध वगैरह अच्छे से नहीं पीते हैं आप, तो फिर आपको डिस्क में तकलीफ तो होगी, साथ में हड्डियों में भी कमजोरी आएगी, मतलब बोन्स में डीजनरेशन होगा, स्पाइन में डीजनरेशन मिलेगा, स्पाइनल बोन्स में डीजनरेशन मिलेगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस हड्डियों का आपको स्पाइन में मिल सकता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं के साथ में भी ये समस्या आपको हो सकती है। तो पहली बात तो सियाटिका कोई बीमारी नहीं है, एक लक्षण है। पैरों में जलन, झुंझुनी, पैरों में खिंचाव, पैर का दर्द, कमर का दर्द पैर से होता हुआ, जांघों के पीछे से होता हुआ पैर में तलवों तक जाएगा, चुभन सी हो सकती है, बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो सकता है, पैरों में भारीपन, पैरों में हल्कापन और कमर का दर्द। अब हर कमर दर्द सियाटिका नहीं है, ये बात भी समझ लीजिए, हर प्रकार का कमर दर्द सियाटिका नहीं है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि कमर में दर्द होता तो सर सियाटिका तो नहीं हो गया। इट्स नॉट सियाटिका। सियाटिका तभी होगा जब सियाटिक नर्व में कंप्रेशन होगा, सियाटिक नर्व दबेगी, सियाटिक नर्व के दबने की वजह से पैरों में जलन, झुंझुनी, कंप्रेशन लग सकता है, नमनेस आ सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, पैरों में दर्द कमर से होता हुआ, बैक से होते हुए, थाइस से और नीचे की तरफ जाएगा, कमर में कमर से होता हुआ पैर के तलवों तक। ये सारा कुछ यदि नहीं हो रहा और केवल कमर में दर्द है तो तकलीफ कमर की है, सियाटिक नर्व की नहीं है, इस बात को नोट कर लें। क्योंकि ज्यादातर लोग जो मुझे कमेंट करके यहाँ पे पूछ रहे हैं, सर मुझे ये हो गया, मुझे घुटने में दर्द है, मेरा कमर में भी दर्द है, घुटने में दर्द है, तो मेरे को सियाटिका है क्या? ना, यदि आपको कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, सियाटिका नहीं है, पहले कमर में दर्द जो है वो नीचे की तरफ जाता हुआ झुंझुनी, जलन और पेन होता है तो दोस्तों सियाटिका, अदरवाइज दवाइयां आपकी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि आपको वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, आपको डिस्क प्रोलैप्स मिल सकता है। और ज्यादातर केसेस में इन जितने भी आपने पिछले वीडियो देखे हैं जो कि दो लाख से ज्यादा लोगों ने व्यू किया है, उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। उनमें जो कमेंट बॉक्स में लोगों ने कमेंट किया, उनको जितने आंसर्स मिले हैं उनको सबको दवाइयां भी बताई गई है, मैंने नंबर भी आपको दिया है 6265772077 में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं इस देश में कम से कम 1,45,00,000 लोगों तक पहुंचूंगा, मतलब अभी के डेट में मेरा 1% का रूल है कि मेरी जो इच्छा है कि मैं कम से कम 1,45,00,000 यानी 1.5 करोड़ लोगों का, 1% लोगों का तो कम से कम ट्रीटमेंट कर पाऊं, ये मेरा लक्ष्य है और इस लक्ष्य के पीछे मैं जा रहा हूं। आशा है आप इस लक्ष्य के लिए मेरे साथ रहेंगे और लोगों तक इस ट्रीटमेंट को पहुंचाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, कोई पैसा आपको नहीं लगने वाला। आप जाइए, अपनी तकलीफें देखिए, आप चाहें तो अपने नियरेस्ट के डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं, इस बारे में बात कर सकते हैं, जो दवाइयां बताई गई हैं उनसे डिटेल में पूछ सकते हैं, इनसे क्या होने वाला है वो भी आपको सहायता करेंगे। मेरी आप सभी दोस्तों से जो होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं उनसे भी अनुरोध है, यदि वो देख रहे हैं तो इसे फैलाएं,
और एक अच्छी अवेयरनेस लोगों पे फैलाएं, और इससे आपको फायदा होने वाला है, आपके पेशेंट्स को भी फायदा होने वाला है और पेशेंट्स को तो वैसे भी फायदा होने वाला है। तो आप यदि पेशेंट हैं, यदि आप इसे देख रहे हैं, तो इस बात को समझ लें कि हर कमर दर्द सियाटिका नहीं होता। सियाटिका कोई बीमारी नहीं है, नसों का दबना है। पोस्चर ठीक कर लो, बॉडी को स्ट्रेट पोजिशन में रखो और बैक बेंडिंग वाली एक्सरसाइज पूरी पीछे की तरफ करो। मेरे बहुत सारे वीडियो सियाटिका पे बने हैं, मैंने हर बार बोला है। खाने का सिस्टम सुधारो, सोने का सिस्टम सुधारो, नशा बंद करो, ज़्यादा दवाइयाँ पेन किलर खाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा और पोस्चर ठीक करना है, सीधे बैठने की आदत डालो, दूध पीना है आपको, और दवाइयों की डिस्क्रिप्शन आपको कमेंट बॉक्स में नीचे पे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में भी। मैं पूरी डिटेल्स में आपको दवाइयां लिखूंगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि सियाटिका की चीजों को समझें। हर कमर दर्द सियाटिका नहीं होता, मिसकंसेप्शन नहीं रखना है, कन्फर्म रखिए चीजों को, नॉलेज को कन्फर्म कीजिए, डायग्नोसिस को कन्फर्म करना है हमें। और यदि कमर दर्द है तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें कमर दर्द और सियाटिका के बारे में डिफ्रेंसिएशन एक बार फिर से डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बताएंगे आपको। वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए और सब्सक्राइब करिएगा जरूर, और लाइक बटन जरूर दबा देना। अगली बात यह है, कमेंट करके जितना पूछना है पूछो, डिटेल में पूछना है आराम से एक बार डिटेल में टाइप करके एक बार में पूछ लेना। आपको जब तक हमारा रिप्लाई नहीं आता थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश से अलग अलग जगह से अलग अलग प्रांतों से लोग मुझे डिटेल पूछते हैं। हो सकता है कि हमारी टीम या मैं आपको इतना रिप्लाई ना कर पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम 1.5 करोड़ लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये मेरा लक्ष्य है और मैंने इसे जिंदगी का एक लक्ष्य बनाया कि कम से कम 1.5 करोड़ लोगों तक अपने माध्यम से, होम्योपैथी के माध्यम से लोगों की तक इस ट्रीटमेंट को पहुंचाऊं और इस दुनिया में कम से कम कुछ एक स्पेशल काम कर जाऊं। ये मेरा लक्ष्य है। आप तक पहुंचेगा ट्रीटमेंट, कोशिश कीजिए, अच्छी जीवन से लीजिए। कुछ एक लोग कमेंट करते हैं कि इससे कुछ भी नहीं होता, ये सब फालतू बातें हैं, ऐसा है वैसा है, डॉक्टर साहब आपकी डिग्री क्या है, कुछ ने तो पूछ लिया डॉक्टर साहब आपकी डिग्री क्या है। तो मैंने हाथ जोड़ के विनती की, भैया इतने दिन से बता रहा हूँ, डॉक्टर विभूति शर्मा BHMS PG होम्यो लंदन सब लिखा हुआ है, डिटेल लिखी, उसके बावजूद बोलते नीम हकीम खतरे जान। अब मैं कुछ नहीं कर सकता ऐसे लोगों का, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते जो नकारात्मक विचारधारा से हैं। भैया आपको ठीक होना हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने मरे बिना स्वर्ग किसी को भी नहीं मिला। स्वर्ग होता भी है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, पर इतनी बात जरूर है कि यदि दुनिया में आए हैं तो मेहनत आपको खुद से करनी पड़ेगी। दवाइयां सबको ठीक नहीं कर सकती। अच्छा खाएं, समय पर खाएं, सही वक्त पर खाएं, खूब अच्छी नींद लें और रोज व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, ताकि आपकी बॉडी फिट रहे, आपका वजन कम रहे, ताकि आपकी बॉडी को जरूरत से ज़्यादा लोड ना उठाना पड़े। क्योंकि जो मेन जॉइंट है वो कमर का जॉइंट है, जो आपके पूरे लोड को, आपके भारीपन को संभालता है। इसे मजबूत करने के लिए रोज एक्सरसाइज करें, बेंडिंग करें। आजकल तो नगर निगम क्षेत्र में बहुत सारे व्यायाम के इक्विपमेंट लग रहे हैं, जो कि बहुत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तौर पर लग रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो व्यायाम कहीं भी किया जा सकता है। बाकी सब जो है वो बहानेबाजी है, बहानेबाजी नहीं चलेगी। डिटेल्स देखें और दवाइयां ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पहुंचना है 1.5 करोड़ तक। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।